कैनीबी थाना पुलिस ने दो मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4 मोबाइल बरामद किए हैं। थाना प्रभारी रविंद्र कविया ने अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर त्रिलोक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश शर्मा को बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम के निर्देश पर लॉकडाउन के पश्चात आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राहगीरों से झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने के आरोप में खालिद खान पुत्र खल्लू खान निवासी सहाडोली उद्योग नगर और मनीष खान पुत्र शरीफ खान निवासी लोहरवाड़ी थाना सदर को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से लूटे गए 4 मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से और भी मोबाइल लूटने की वारदात खुलने की संभावना है। लॉकडाउन के पश्चात बढ़ने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश रखने को के लिए श्रीमान SP महोदया द्वारा निर्देश प्रदान किए गए थे, जिसमें हमारी NEB पुलिस कि जो विशेष टीम थी जिसके द्वारा इलाके में जो मोबाइल मोटरसाइकिल पे मोबाइल छीन करके ले जाने की जो वारदातें हुई थी उसमें कार्रवाई करते हुए दो मुलजिमों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें एक खालिद खान पुत्र खल्लो खान जाति नाई मुसलमान निवासी सहाडोली थाना उद्योग नगर जिला अलवर का है। दूसरा अभियुक्त मनीष खान पुत्र शरीफ खान में लोहरवाड़ी थाना जिला सदर का है, जिनको गिरफ्तार किया गया और उनसे वारदात में लूटे गए मोबाइल 4 हमने जब्त किए हैं और आगे अग्रिम अनुसंधान उनसे पूछताछ अनुसंधान किया जा रहा है। और भी वारदातें अगर कोई हुई तो खोली जाने की संभावना है।